वो बच्चा गली में गया, गली में जाके उसने कहा मैं चलो किक लगा दूँ। बॉल खेल रहे थे बच्चे, उसने फुटबॉल के साथ किक मारी है और पहले ही वो बच्चे कोई और आगे खेल रहे थे, उसका बच्चा रिजवान नामी शख्स है जिसने हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे बच्चे को बेदर्दी से मारा है। डॉक्टरों ने कहा है कि ये बच्चा जब आप हमारे अच्छा जब आप बता रही थी कि उसने किक मारी फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो बच्चे आपस में कोई लड़ रहे थे, ये उनको बता रोक रहा है, लड़ाई दूसरे बच्चे कर रहे हैं, वो हमारा बच्चा अयान जो है उनको रोकने के लिए गया कि लड़ाई ना करो। उतनी देर में वो जो रिजवान नामी शख्स है ना वो अंदर से बाहर निकला, उसने देखा कि ऊपर से उसकी बीवी देख रही थी, रिजवान की बीवी ऊपर से ठीक है विंडो से देख रही थी कि बच्चे बाहर लड़ाई कर रहे हैं और उनको नज़र आया कि अयान मार रहा है, उसने शोर मचा दिया कि अयान ने मारा। एक गली में बच्चा और भी अयान है, उसने कहा शायद ये अयान है, वो उसकी तरफ भागा है, बाकी बच्चे भाग गए हैं, तीन चार बच्चे वहीं थे जो इसके बच्चे के भाई भी हैं। अच्छा। अयान के बच्चे के अहमद और यूसुफ हैं और एक हमारा और हमसाए का बच्चा है अली रज़ा, वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद थे और वो मना कर रहे हैं कि अंकल आप क्यों मार रहे हैं इसको, अयान को क्यों मार, एक छोटी बच्ची भी है, छोटी सी बच्ची, उसने भी देखा, उसने भी कहा अंकल क्यों मारे, उसने खुद बताया हमें आके कि पांच चपेड़े उस बंदे ने मारी उसको, उसको सब्र नहीं आया, उसने उसको धक्का दे के दीवार में मारा, उसके यहाँ से बाल उड़ गए, एक इतने शदीद धक्का मारा कि उसके यहाँ से बाल उड़, फिर उसको नहीं यकीन आया, उसने नीचे फेंक के उसको ठुड्डे मारे उसकी पसली में, उसकी पसली टूट गई है, फिर टांगों पर ठुड्डे मारे, उसकी टांग फ्रैक्चर है, ये पाँव फ्रैक्चर है, बाजू फ्रैक्चर है उसका बच्चे का, ठीक है हेड इंजरी हुई है उसको, हम यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं, बच्चे भागे हुए आए हैं, उन्होंने आके बताया कि मम्मा पापा अयान को अंकल ने मार दिया, क्योंकि जिस वक्त हम बाहर गए वो बेसुध पड़ा हुआ था, हालत नहीं थी उसकी कि कोई वो कुछ, लेकिन ये था थोड़ी सी होश में था उस वक्त। आप देखें कि हमारे साथ जुल्म है या नहीं, बस आप हमें इस सवाल का जवाब दे दें। बहुत बड़ा जुल्म है जी, इसका तो कोई अजाला ही नहीं हो सकता। आप गली में इतने इतने बच्चे से पूछेंगे ना, बिल्कुल पूछेंगे कि अयान के साथ क्या हुआ है, एक एक बच्चा आपको बताएगा, जिससे बोला भी नहीं जाएगा वो भी बताएगा। उन्होंने कहा हम पुलिस में जाके भी चार बच्चों ने बयान दिया है, छोटे बच्चों ने वो एक भाई है उसका, उसने दिया है जो बिल्कुल साथ खड़ा था, इसने रोता पीटता चीखता हुआ घर भागा है कि मम्मा अयान को मार दिया, अंकल ने अयान को मार दिया। हमारे पास सारी तस्वीरें हैं वहाँ की, हॉस्पिटल की।